ओके हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित भाग दो में एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुपर्यायी प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुपर्यायी प्रश्न क्या है। जब परीक्षा में आपको बहुपर्यायी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका मतलब कोई एक प्रश्न दिया रहेगा, वो आपको या तो रिक्त स्थान के फॉर्म में दिया रहेगा या तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया रहेगा, और उसके साथ साथ आपको उसके चार विकल्प दिए रहेंगे। उन चारों विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प जो आप सॉल्व करोगे, आपको जो पता है उसमें से एक विकल्प चुनना है और वो विकल्प आपको लिखना है, और बाकी के उसमें से एक ही राइट है, चार में से एक ही राइट होगा, बाकी के तीन रॉन्ग रहेंगे। तो आपको कोई एक ही चुनकर लिखना है, आपको चारों नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया उसका विकल्प ए बी सी डी है, तो अभी पिछले साल से ऐसा भी आया कि सिर्फ आप विकल्प का जो, जैसे ए 80 दिया गया तो आप सिर्फ ए लिखे ना, फिर भी आपको उसके ऊपर पूरा मार्क्स मिल जाएगा, या बी ऑप्शन राइट है आपको लगता है तो बी लिखा तो भी पूरा मार्क्स आपको, जो एक मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन बहुपर्यायी प्रश्न, तो आपको एक मार्क्स पूरा मिल जाएगा। सारे जो आपके सीईटी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो इसी तरह से बहुपर्यायी प्रश्न के आधार पे ही लिए जाते हैं। अभी जो बहुपर्यायी प्रश्न होता है, सबसे पहला वाला प्रश्न ही उसका ए पार्ट, वही क्या होता है, आप जैसे आप पेपर की शुरुआत करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए वही क्या होगा, बहुपर्यायी प्रश्न रहेगा आपके मैथ्स के पेपर में, और ये टोटल 4 मार्क्स के लिए रहेगा, चार में से चारों सवाल आपको करने रहेंगे। और सबसे पहली बात, इसमें कोई आधा मार्क्स का कोई सिस्टम नहीं, आपने राइट लिखा तो पूरा 1 मार्क्स, रॉन्ग लिखा तो 0, कोई सिस्टम नहीं कि आपको इसमें आधा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कोई भी चांस नहीं रहेगा। बट एक तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए कि अगर आपने कोई भी, अगर चूज करके आपको नहीं पता, आपने कोई भी ऐसे कोई भी ऑप्शन लिख दिया और राइट हो गया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन पे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, कुछ नहीं होंगे, बट कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आप उसके विकल्प डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बहुपर्यायी प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका बहुपर्यायी प्रश्न का, आपको इस तरह से दिया रहेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। कोई प्रश्न दिया रहेगा उसके 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक सही विकल्प आपको लिखना रहेगा। मैंने कुछ बहुपर्यायी प्रश्नों के कुछ उदाहरण लिए हर चैप्टर से, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बीच में रिक्त स्थान दिया है, होगा क्या, होगा हमें यह ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यह रिक्त स्थान के स्वरूप में भी आ सकता है या सिर्फ क्वेश्चन के स्वरूप में भी हो सकता है, बट आपको किसी भी केस में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक ही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा जो सही होगा। ठीक है, अभी हम विकल्प देखते हैं। हमें विकल्प दिया गया, पहला विकल्प दिया गया है 9:8, दूसरा विकल्प दिया गया है 3:2, तीसरा विकल्प दिया गया है 25:9 और चौथा विकल्प दिया गया है 9:25। अगर मैं चाहूं कि डायरेक्ट में कौन सा है, क्या मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकती हूँ कि कौन सा विकल्प राइट है, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है, हम ये डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आपने समरूपता चैप्टर पढ़ा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज, दो अगर त्रिभुज आपस में समरूप है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। आपने सबसे पहले देखना है, ये मैं हल बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको ये हल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो राइट आंसर रहेगा, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है, वो विकल्प के आंसर ही आपको लिखना है। बट वो विकल्प कौन सा होगा वो ज्ञात करने के लिए हमें ये सॉल्व करना बेहद जरूरी है, जिसके आधार पर हम अपना सही विकल्प ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया तो मैंने उस त्रिभुज को ए बी सी और दूसरे त्रिभुज को डी ई एफ इस तरह से मान लिया। ये दोनों भी त्रिभुज समरूप हैं, ये ऑलरेडी हमें दिया गया है तो मैंने उसे दत्त है या आप दिया गया है ऐसा भी लिख सकते हैं।
आपको पता है जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का प्रमेय आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों? तो वो प्रमेय हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको भुजाओं का अनुपात दिया, कभी कभी यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात भी लिख के दे सकते हैं, तो भी उस कंडीशन में भी आपको उसका वर्ग का अनुपात ही लिखना होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इस तरह से लिखेंगे। अनुपात है तो ऑब्वियस चीज है कि हम क्या करेंगे, बटे डालेंगे। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इस तरह से लिखेंगे। अभी उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, 3 दिया गया, 3/5 दिया गया, बट उसके वर्गों का अनुपात, वर्ग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग / 5 का वर्ग, इस तरह से लिखेंगे। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 25 आएगा। तो आपका आंसर क्या है, 9/25। अभी हमें देखना है कि इन चारों विकल्प में हमने जो सॉल्व किया या हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर है क्या किसी ऑप्शन में, तो हम देखेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, विकल्प डी है, वो क्या है, 9/25। तो आपको क्या करना है, आपको ये आप चाहे तो आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हो और बाद में आप सामने उसका विकल्प आंसर में लिख सकते हो, ठीक है? ये इसके पर कोई मार्क्स नहीं है, जो हम हल कर रहे हैं ना, इसके पर कोई भी मार्क्स नहीं रहेगा एग्जाम में, आपको सिर्फ जो विकल्प आप लिखोगे उसी के पर मार्क्स रहेंगे, ठीक है? बट उन विकल्पों को ज्ञात करने के लिए हमें ये करना जरूरी। तो हमारा आंसर आया डी, 9/25, ये हम विकल्प लिखेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 87 डिग्री, तो कोण सी बराबर ? जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन के स्वरूप में भी, रिक्त स्थान के स्वरूप में भी पूछा जा सकता है ये बहुपर्यायी प्रश्न, ठीक है? इसे चार ऑप्शन दिए गए, चार विकल्प दिए गए, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 48 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो जैसा कि मैंने बोला, आपको ये चेक करने के लिए आपको सम को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बट जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो हल कर रहे हैं उसके पर आपको मार्क्स नहीं है, उसके पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने नहीं करके दिखाया। सिर्फ जो विकल्प आप लिखोगे और राइट है तो आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका हल ये आपको समझाने के लिए, जैसा कि आपको ये दोनों त्रिभुज क्या दिए गए, समरूप हैं दिया गया है, तो मैंने दत्त लिखा है यहाँ पर, हम भी दत्त लिखेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने पढ़ा रहेगा कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके जो सारे कोण होते हैं वो आपस में सर्वांगसम होते हैं, आपने जरूर पढ़ा रहेगा ये चैप्टर में। तो यहाँ पे कौन से 3 कोण है, तो यहाँ पे कौन से 3 कोण की जोड़ी आपस में सर्वांगसम हो जाएगी, पहला कोण है कोण ए, सर्वांगसम कोण डी। आपको ये सर्वांगसमता दिखाने के लिए एक एक की संगति के हिसाब से ही जाना है। जैसे कि अगर पहला ए लिया तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में पहला क्या है, डी है कोण, तो कोण ए सर्वांगसम कोण डी। दूसरा है कोण बी सर्वांगसम कोण ई, और तीसरा है कोण सी सर्वांगसम कोण एफ, इस तरह से हम लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम गणित भाग 2 पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज, जो भी हम कुछ लिखते हैं उसके पीछे एक रीजन रहता है, तो वो रीजन दिखाना बेहद जरूरी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है? समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ऐसा हम शॉर्ट में ये कारण लिखेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कोण ए और कोण ई का मान दिया गया है, हमने ए और डी को आपस में सर्वांगसम किया है। कोई भी दो कोण अगर आपस में सर्वांगसम है, मतलब उनके माप आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपको कोण ए का मान दिया गया है 45, तो कोण डी का मान भी कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। सेम आपको कोण ई का मान दिया गया 87 डिग्री, और कोण बी और कोण ई आपस में सर्वांगसम है, तो कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा, 87 डिग्री, ठीक है बच्चों?
बट हमें अभी क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, कोण सी ज्ञात करना है। तो हमें ना कोण सी पता है ना कोण एफ पता है। अगर मुझे एफ पता होता तो मैं एफ को इक्वल दिखाकर, समान दिखाकर सी का मान डायरेक्ट निकाल सकती थी, बट मुझे ना यहाँ पे सी पता है ना एफ पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा रहेगा, अगर त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का माप आपको पता है तो हम तीसरे कोण का माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के योग गुणधर्म से कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। अभी जैसा कि हमें ए का मान पता है 45 डिग्री था, तो हम 45 डिग्री डालेंगे, यहाँ पे मान प्रतिस्थापित कर रहा है। बी का मान 87 डिग्री, तो 87 डिग्री डालेंगे। प्लस कोण सी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो कोण सी को कोण सी रहने देंगे, बराबर 180 डिग्री। अभी 45 और 87 हमने ऐड किया, तो जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अभी मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है, तो मैं 132 डिग्री जो है उसका क्या करूंगी, पक्षांतर करूंगी। जब आप पक्षांतर करोगे तो जब 132 का पक्षांतर होगा तो यहाँ पे था तो प्लस होगा, पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 132 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, कोण सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। अब हम देखेंगे कि क्या ये आंसर हमारे विकल्प में है। देखिए इसमें कौन सा विकल्प है जो 48 डिग्री है, विकल्प सी। तो आपको डायरेक्ट ये आंसर लिखना है, सी 48 डिग्री। ठीक है, बस इतना आप लिखोगे आपको एक मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, बट ये आसानी से मार्क्स मिलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये आंसर पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज QRP में कोण D सर्वांगसम है कोण Q के, कोण R सर्वांगसम है कोण E के, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। या आपको चार विकल्प दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज तो दिए गए, उनके दो कोण की जोड़ी आपस में सर्वांगसम दी गई है, और आप जो विकल्प देखोगे तो वो है कि जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर करके लिखा गया है। बट भुजाओं का अनुपात आपस में कब बराबर होता है, जब दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप है कि नहीं है, ये पहले वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर समरूप चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों का नाम लिखेंगे, त्रिभुज DEF और त्रिभुज QRP में। ठीक है, आपको कुछ चीजें दी गई है कि कोण D सर्वांगसम है कोण Q के, ये दिया गया है, और दूसरा दिया गया है कोण R सर्वांगसम है कोण E के, ये भी आपको प्रश्न में दिया गया है। अभी आप देखोगे यहाँ पे दो कोणों की जोड़ियां आपस में सर्वांगसम है। आपने कसौटियां पढ़ी रहेंगी, जो त्रिभुज जब भी हम कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप करते हैं तो वो किसी कसौटी के आधार पर ही आपस में समरूप होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे तो दो कोणों की जोड़ी है, तो ऑब्वियस है कौन सी कसौटी से सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, सॉरी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज QRP के, रीजन लिखेंगे को कसौटी से। यहाँ पर दोनों भी कोण है जिनकी जोड़ियां सर्वांगसम है आपस में, तो ये त्रिभुज को कसौटी से क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, समानुपात में होती हैं। कोई भी दो त्रिभुज जो समरूप है उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डी बटे क्यू आर बराबर ई एफ बटे आर पी, और तीसरा अगर भुजा हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ बटे क्यू पी। ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर, इनके अनुपात क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो विकल्प है ये हमारे प्रश्न में दिया गया था, हमें चार विकल्प दिए गए थे, इसमें हमें चेक करना था कि ये कौन सा विकल्प राइट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा विकल्प सत्य है वो चेक करना है आपको। तो जैसे मैंने त्रिभुज समरूप कर दिया तो हम बता सकते हैं
पहला ऑप्शन देखोगे तो क्या दिया गया आपको, ईएफ बटे पीआर बराबर डीएफ बटे क्यूपी, सॉरी डीएफ बटे क्यूआर। आप देखोगे डीएफ बटे क्यूआर नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होता तो ये विकल्प राइट होता था, क्यूपी होता था, तो ये विकल्प तो गलत हो गया। दूसरे विकल्प की ओर देखेंगे, दूसरा विकल्प क्या दिया हुआ है, डी बटे पी क्यू। अभी डी के साथ आप एक एक ही संगति पी क्यू की तो बनी नहीं रही है, डी के साथ किसकी एक एक ही संगति बन रही है, क्यू आर की, तो ये विकल्प भी गलत होगा, ये नहीं होगा राइट। थर्ड विकल्प देखेंगे सी डी बटे आर पी। अभी आप इसमें भी देखोगे तो ये विकल्प में भी जो पहला ही है डी बटे डी के साथ किसका एक एक ही संगति बन रहा है, क्यू आर का, तो बटे में क्या होना चाहिए, क्यू आर होता तो हम चेक करते थे आगे, तो ये भी ऑप्शन सत्य नहीं हो सकता। लास्ट वाला विकल्प हम देखेंगे, विकल्प डी ई एफ बटे आर पी, ठीक है, बराबर डी बटे क्यू आर, जो कि हमने अभी सॉल्व किया तो हमें यही विकल्प मिला, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, विकल्प डी ई एफ बटे आर पी बराबर डी बटे क्यू आर, ये विकल्प आपका राइट है, जो कि हमने सॉल्व करके चेक किया कि ये विकल्प आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, आकृति में रेख एक्स वाई समांतर रेख बी सी, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अभी इसमें भी आपको चार विकल्प दिए रहेंगे, उन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आकृति की बात करें तो हम आकृति देखते हैं, चार विकल्प दिए गए, ये आपको आकृति दी गई है। अब इस आकृति में आपको एक्स वाई समांतर बी सी दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे रेख एक्स वाई समांतर है रेख बी सी, ये दत्त लिखेंगे। जब भी आपको त्रिभुज की दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के अगर समांतर होता है तो उनके अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये हमने ये प्रमेय पढ़ा हुआ है, उस प्रमेय को बोलते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से अब अनुपात लिखोगे, पहला अनुपात क्या मिलेगा, ए एक्स बटे एक्स बी किसके बराबर होगा, ए वाई बटे वाई सी के, तो हमें ये आंसर मिला। अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो किया वो राइट है, विकल्प हमारा विकल्प क्या है, ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी, ये विकल्प राइट है। अगर आप दूसरे देखोगे विकल्प तो आपको समझ में आएगा हमने जो सॉल्व किया वो विकल्प बी पूरी तरह से राइट है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है बी ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी, इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। कुछ दिए गए समूह आपको चेक करके बताना है कि पाइथागोरस का त्रिक कौन सा है, उसको उस ऑप्शन को आपको चुनना है, उस ऑप्शन को आपको लिखना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अगर आपको पाइथागोरस का त्रिक पूछा गया है तो सबसे पहले आपको तीन नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, उन त्रिकों में से उस त्रिक में से आपको जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका वर्ग करके देखना है, ठीक है, उसका वर्ग करके देखोगे और जो अन्य दो छोटे दो नंबर है उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ोगे, तो जो अन्य दो नंबर का जो वर्ग करने के बाद जोड़ने के बाद जो संख्या मिलती है अगर वो बड़े वाले नंबर के वर्ग के बराबर है तो वो पाइथागोरस का त्रिक होगा, अदरवाइज वो पाइथागोरस का त्रिक नहीं होगा। जैसा कि हम देखिए ना, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग निकालते हैं, फिर अन्य दो भुजाओं का वर्ग निकालेंगे, अगर वो दोनों आपस में बराबर हैं तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। उसी तरह से पाइथागोरस का त्रिक ज्ञात करने के लिए भी हमें उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की ओर देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या आपको दिया गया है, वन, पहला त्रिक दिया गया है 1.5.10। अगर आप में इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 10 का अगर वर्ग करते तो 100 आ जाता है। अब 5 और 1 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग करेंगे 1 तो 26, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सी वाला ऑप्शन देखते हैं अगर मैं, तो इसमें तो सब सेम है, 2, 2, 2, तो इसमें बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, कोई भी दो का वर्ग किया अन्य दो संख्याओं का वर्ग किया तो आप देखोगे कि ये नहीं आएगा इक्वल,
थर्ड वाले सवाल में देखेंगे फिर से पांच का वर्ग करोगे 25, बट अन्य दो भुजाओं का जब वर्ग करेंगे तो वो काफी बड़ा आ जाएगा डिफरेंस में। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखोगे बी ऑप्शन में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पांच। तो हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे मतलब पांच का वर्ग करते हैं, पांच का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 25। उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो अन्य दो भुजा क्या 3, 4, 5 था, 3, 4, 5 इस तरह से दिया था। तो 3 और 4 का भी वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया 9 आएगा, 4 का वर्ग किया 16 आया, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। अभी आप देखोगे जो हमने बड़ी भुजा का वर्ग किया वो भी 25 आया और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल भी क्या आया 25 आया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों आपस में बराबर है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो दिया गया त्रिक है वो पाइथागोरस का त्रिक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 5 यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेम क्वेश्चन है बट इसमें आपको पूछा कौन सा पाइथागोरस का त्रिक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन दिए गए 4, अभी आप देखोगे अभी हमने जस्ट सॉल्व किया 3, 4, 5 ये तो पाइथागोरस का त्रिक है तो ये ऑप्शन तो पहले से हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 5, 12, 13 13 बड़ी संख्या है, 13 का वर्ग करेंगे 169 आ जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग करेंगे जोड़ेंगे तो भी 169 आता है। तो ये आप ओरली भी समझ सकते हो इस सवाल को और बता सकते हो कि है या नहीं है, तो ये भी हो जाएगा त्रिक। इस सवाल में जाएंगे 7, 24, 25 इसमें भी आप करोगे ये भी आपको त्रिक मिल जाएगा। अभी चौथे ऑप्शन की ओर जाते हैं, चौथा ऑप्शन दिया गया आपको 4, 4, 4 इसमें अभी तीनों भी संख्याएं जो दी गई हैं वो तीनों भी समान है तो हम बड़ी भुजा का वर्ग लेते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल करेंगे, 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। अब 32 आया विच इज नॉट इक्वल टू बड़ी भुजा के वर्ग के, तो क्या हो जाएगा हम लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग नहीं बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही विकल्प रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, एबी बराबर 6, बीसी बराबर 8, तो एसी बराबर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। आपको जो त्रिभुज एबीसी दिया गया वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप देखोगे कि जो समकोण बनाने वाली भुजा के मान दिए गए हैं और आपको कर्ण का मान जो एसी है वो यहाँ पर कर्ण है, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करके ही सॉल्व करना है, तभी आपको ये भुजा का मान निकलेगा। तो हम देखेंगे इसके ऑप्शन दिए गए 10, 12, 6, 64 हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आता है। हल करते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, समकोण त्रिभुज है तो हमें यहाँ पर क्या करना है पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, ए बी आपको 6 दिया गया तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। अभी हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 36 और 64 को जोड़ देंगे, जोड़ा तो कितना आया 100 आया। अभी ए सी का वर्ग बराबर 100 आया, क्या आप देखोगे दोनों भी बाजू में दोनों भी साइड में ऊपर कितने की टोपी है, 2 की टोपी है, वो हमें 2 की टोपी हटानी है मतलब जब वो वर्ग है तो वर्ग जब हटाना है तो हम क्या करते हैं वहां पे वर्गमूल लेते हैं। तो हम एसी का वर्ग है उसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा एसी, 100 का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, वर्गमूल लेने पर एसी का मान कितना आया 10 आया। तो हम देखते हैं 10 कौन से ऑप्शन में दिया गया है वो विकल्प हमें लिखना है। तो आपका ऑप्शन ए, आप आंसर में क्या लिखोगे ए 10 इस तरह से लिखोगे, मतलब विकल्प ए आपका सही विकल्प है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं,
इसी वर्ग का विकर्ण 10 करनी में 2 सेमी हो तो उसकी परिमिति डॉट डॉट होगी, मतलब ये आपको फिल करना है। ये द्विघात संघ के स्वरूप में इस तरह से भी हो सकता है, प्रश्न के स्वरूप में भी हो सकता है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अभी आप देखोगे वर्ग के विकर्ण का लंबाई दिया गया 10 करनी में 2 और उसकी परिमिति पूछ रही है। अगर परिमिति पूछ रही है, कोई भी जो आकृति होती है अगर उसकी परिमिति ज्ञात करनी, मतलब मुझे उसमें उस आकृति में जितनी भी भुजा है उन सभी भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो मैं उस आकृति की परिमिति निकाल सकती हूँ। तो बट यहाँ पर आपको उसकी भुजा नहीं दी गई है, आपको क्या दिया गया, वर्ग का विकर्ण दिया गया है। अभी वर्ग के विकर्ण और भुजा दोनों से संबंधित एक सूत्र है, वो सूत्र लगाना पड़ेगा और फिर हमें भुजा की लंबाई आएगी। भुजा की लंबाई आने के बाद हम परिमिति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 40 करनी में 2 सेमी, ऑप्शन सी 20 सेमी और ऑप्शन डी 40 सेमी। इस तरह से आपको दिए गए। अभी हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला वर्ग के विकर्ण की लंबाई और उसकी भुजा से संबंधित एक सूत्र है, वो सूत्र हम लगाएंगे। वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा करनी में 2 होता है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दी गई है, 10 करनी में 2, हमने 10 करनी में 2 डाला है यहाँ पर, बराबर भुजा करनी में 2। करनी में 2, करनी में 2 दोनों बाजू में है, क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। हाँ बीनू मैडम, बीनू मैडम लगता है डिस्कनेक्ट हो गए, एक मिनट बच्चों। बच्चों वेट करते थोड़ा, एक मिनट जरा, मैडम डिस्कनेक्ट हुए लगता है। वेट कीजिए हाँ बच्चों, एक मिनट, हाँ मैडम से बात करता हूँ। बीनू मैडम हेलो, हेलो मैडम, माइक चालू कीजिए मैडम। बच्चों मैडम वापस कनेक्ट हो गई है, डिसकनेक्ट हो गए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, माइक चालू कीजिए। हेलो बीनू मैडम, आपको मेरी आवाज,
बीनू मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक चालू कीजिए मैडम। हाँ सर चालू किया सर, आ रही आवाज? हाँ आप हेलो डिसकनेक्ट हो सर। गए थे अचानक। नहीं सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, मैं हेलो डिस्कनेक्ट नहीं मैडम, कर। मैडम हाँ सर, हाँ सर, आ रही कंटिन्यू आवाज? कीजिए, ओके आवाज सर, आ रही है अभी, ओके कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, ओके। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर भुजा की लंबाई ज्ञात की, भुजा की लंबाई आई 10 सेमी, ठीक है। तो आगे हमें वर्ग की परिमिति ज्ञात करनी है। वर्ग की परिमिति ज्ञात करने के लिए सूत्र है 4 गुणे भुजा। कोई भी अगर आकृति दी गई है, कोई भी चतुर्भुज दिया गया है या कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी परिमिति आपको ज्ञात करनी है, तो आपको उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योगफल करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई 10 सेमी। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो अगर एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो अन्य तीनों भुजाओं की लंबाई भी क्या होगी? 10 सेमी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 10 करेंगे, आंसर आएगा 40 सेमी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प डी जो है वो 40 सेमी दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 24 सेमी तथा 18 सेमी हो तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर से समकोण त्रिभुज दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला समकोण त्रिभुज दिया गया तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब यहाँ पर समकोण बनाने वाली भुजाओं के लंबाइयां दी गई हैं 24 और 18, तो हम 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग किया 576 आएगा, 18 का वर्ग किया 324 आया, दोनों को जोड़ा 900 आया। आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे। तो अब जब वर्गमूल लोगे तो 900 का वर्गमूल लेने के बाद क्या आ जाएगा, 30 सेमी आ जाएगा। हम देखेंगे कौन सा विकल्प आपको दिया गया है, विकल्प बी। तो इसका आंसर होगा विकल्प बी, 30 सेमी। अभी आगे का प्रश्न है, परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जैसे कि आप आकृति देखोगे, मैंने यहाँ पर दो बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्त बनाए हैं। आपने बाह्य स्पर्शी वृत्त, अंतःस्पर्शी वृत्त, ये वृत्त चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आकृति देखोगे तो दोनों को स्पर्श रेखा खींचकर दिखाया गया है आकृति में। तो आप देखोगे कि कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, जो उनके स्पर्श बिंदु कितना है, एक ही मिल रहा है, तो स्पर्श रेखा भी क्या होगा, एक ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा विकल्प ए, एक। मतलब परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों से अधिक हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 5.5 सेमी और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी सेमी होगी, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है कि दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, ना आपको लिखा गया है अंतः स्पर्श करते हैं, ना लिखा हुआ है बाह्य स्पर्श करते हैं। तो हमें इस कंडीशन में हमें दोनों भी आंसर चेक करना पड़ेगा। अगर वो परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं तो क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, त्रिज्याओं को जोड़कर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो 5.5 + 3.3 जोड़ा तो 8.8 आ जाएगा। अभी जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि बाह्य स्पर्श कर रहे हैं कि अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें दूसरा केस भी देखना पड़ेगा। दूसरा केस है, अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अंतर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको उनको माइनस करना पड़ेगा, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या हम घटाएंगे तो आपको यहाँ पे आए 2.2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो आंसर होंगे, या तो अगर अंतःस्पर्श लिखा होता तो आप डायरेक्ट एक आंसर बता सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ स्पर्श दिया हो गया तो हम लिखेंगे या तो 8.8 होगा या तो 2.2 होगा। तो इसमें से ऑप्शन डी जो दिया गया है 8.8 या 2.2, अगर वो अंतःस्पर्श करते हैं तो 2.2, अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो 8.8, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी का प्रश्न देखते हैं हम, किसी आयत की लंबाई 60 सेमी और चौड़ाई 11 सेमी हो तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। जैसा कि आपको पता है आयत के सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है।
तो ये भी क्या होगा, एक तरह से आपके समकोण त्रिभुज की तरह बन जाएगा। इसमें आपको इसकी लंबाई दी गई है 60, चौड़ाई दी गई 11 सेमी। आप आकृति देखोगे, आकृति का निरीक्षण करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इन शॉर्ट तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग। विकर्ण मतलब अब चतुर्भुज के हिसाब से यहाँ पे विकर्ण है, अगर आप त्रिभुज देखते हो तो कर्ण रहता है वहां। तो 11 का वर्ग किया 121 आया, 60 का वर्ग किया 3600 आया। विकर्ण को मैंने x माना तो वहां पे मैंने x का वर्ग करके लिख दिया। अभी आपने दोनों को जोड़ा 3721 आएगा। अभी हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 61। 3721 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 61 सेमी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो है 61 सेमी, तो वो विकल्प राइट है, आपको लिखना है। आगे का प्रश्न दिया गया है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या डैश होती है। वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त के ऊपर कहीं भी कोई एक बिंदु दिया गया है और आपको बोलेंगे कि उसकी स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हो। मैंने ये बिंदु इस साइड में लिया, आप कहीं भी अगर वृत्त के ऊपर लेते हो और आपको बोला जाएगा एक आप स्पर्श रेखा खींच के दिखाओ, आप कितनी खींचोगे, तो आप कितना भी करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक अगर वृत्त के ऊपर एक बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी ए। उसके बाद दिया गया 14 प्रश्न, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर अधिक से अधिक, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप जैसा आकृति मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे होगा और कैसे दो ही मिलेगा या एक मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको क्लियर रहेगा माइंड में। तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे ए से मैं वृत्त के ऊपर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ। ये आपको प्रमेय भी दिया गया है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर एक दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपको ऑलरेडी प्रमेय के स्वरूप में भी चैप्टर में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 2। आगे का प्रश्न हम देखते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर और एबी बटे पीक्यू दिया गया है 7/5, तो ऑप्शन दिए गए आपको, त्रिभुज एबीसी बड़ा होगा, त्रिभुज पीक्यूआर बड़ा होगा, दोनों त्रिभुज समान होंगे या निश्चित नहीं कहा जा सकता। अभी आप देखोगे त्रिभुज एबीसी की भुजा है एबी और त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा है पीक्यू। अब अनुपात जब देखोगे तो एबी की जगह पे 7 है और पीक्यू की जगह पे अनुपात में दिया गया 5, तो कौन सा बड़ा है, एबी का वैल्यू जो अनुपात में दिया गया वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज एबीसी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, त्रिभुज एबीसी बड़ा होगा। इस तरह से हम लिखेंगे, इसमें आपको सॉल्व करने की कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आपको विकल्प मिल जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ए 7.5 और बी 2.5 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है, दो बिंदु दिए गए तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें दूरी सूत्र लगाना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ए कॉमा बी, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जैसे अगर पहला बिंदु है बिंदु ए, तो उसमें पहले उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1, y1, और दूसरा बिंदु बी है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2, y2। ठीक है, तो अभी पहला लिखना है x2 - x1 का स्क्वायर। x2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, b का जो x2 है 2 है और x1 क्या है 7 है, तो लिखेंगे 2 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 5 और y1 भी क्या है आपका 5। 2 - 7 किया, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, 5 - 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब 25 को हम करनी के बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, करनी के बाहर निकालते ही वो 5 हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन सी 5 आपको ये लिखना है। 17वां प्रश्न दिया गया, यदि पी बिंदुओं ए 4.2 और बी 6.2 का मध्य बिंदु है तो बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, अभी आपको मध्य बिंदु सूत्र भी आपने किया रहेगा, जैसा कि मैंने बोला पहले बिंदु को x1 y1 लेना है, दूसरे बिंदु को आपको x2 y2 लेना है। अभी आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु सूत्र आपने 5वें चैप्टर में निर्देशांक भूमिति में पढ़ा हुआ है।
अगर एक्स एनिशन ज्ञात करना है तो एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, एक्स वन आपका क्या है माइनस फोर, एक्स टू आपका क्या है सिक्स, तो लिखेंगे माइनस फोर प्लस सिक्स बटे दो, सिक्स माइनस फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा टू बटे टू, कट करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा वन। इसी तरह से हम वाई ज्ञात करेंगे, वाई बराबर क्या होगा वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, वाई वन क्या है टू, वाई टू क्या है टू, टू प्लस टू बटे टू करेंगे चार बटे दो होगा, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा टू। तो अभी आपको यहाँ पे एक्स निर्देशांक कितना है वन और वाई कितना है टू, तो वन कॉमा टू ये कौन सा विकल्प है, विकल्प बी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे विकल्प बी वन कॉमा टू, ये आपका राइट विकल्प होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, ये चार ऑप्शन दिए गए। कोसेक थीटा आपको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, तो हम लिखेंगे इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा कट हो गया तो क्या बचेगा वन, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन आएगा आंसर। तो आप देखेंगे कि इसमें विकल्प ए जो है वो राइट विकल्प है। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कोसेक 45 का मान कौन सा है, ये चार ऑप्शन दिए गए अभी देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने बोला कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा की जगह हमें क्या डालना है 45 डालना है, तो मैं लिखूंगी कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन साइन 45 डिग्री। आपको साइन का वैल्यू सबको याद रहता है या सबको पता है कि क्या होता है, तो ये इजी पड़ता है। हम कोसेक का टेबल पूरा याद नहीं कर सकते बट साइन का टेबल हमें पूरा अच्छी तरह से ध्यान में रहता है, तो हम लिखेंगे वन अपॉन साइन 45 का मान होता है वन अपॉन करनी में दो, तो वन अपॉन करनी में दो बटे के बटे हैं, जब हम उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू अपॉन वन हो जाएगा, इसका मतलब कोसेक 45 का मान कितना होता है रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे विकल्प बी जो है वो रूट टू दिया गया, तो वो सही विकल्प है, आप वो लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे 20वां प्रश्न दिया गया है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना। आप अगर देखोगे तो ये आपने जो त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं पढ़ी रहेंगी चैप्टर 6 में, वहां पे तीन सर्व समीकाएं दी गई हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो सकता है सी सेक्स स्क्वायर थीटा, हम वो लिखेंगे। इस तरह से आपको ये भी पूछ सकता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, तो आपको लिखना है वहां पे कोसेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 7.8 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, चार ऑप्शन दिए गए। आपको पता है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है व्यास होती है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया वृत्त के व्यास की लंबाई दी गई है, वृत्त के व्यास की लंबाई कितना दी गई है 7.8 सेमी। अब अगर व्यास पता है और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो, जो व्यास है उसका हम क्या करेंगे आधा करेंगे, यहाँ पे आपको व्यास की लंबाई कितनी है 7.8 बटे दो करेंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3.9 सेमी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऑप्शन सी है वो राइट विकल्प है सी 3.9 सेमी, इस तरह से आप ये लिखेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न आपको दिया गया है दो अंतःस्पर्शी वृत्तों की त्रिज्याएं 4.8 सेमी और 3.5 सेमी है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है होगी कितनी होगी, हमें वो याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर दो वृत्त आपस में अंतस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अंतस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अब जैसे त्रिज्या हम हेलो मैडम, हाँ सर टाइम हो गया मैडम, सर ये लास्ट है बस खत्म है, ठीक है ओके है सर, ओके सर। हाँ यहाँ पर आपको त्रिज्या दी गई है R1 और R2, जैसे कि अभी त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर R1 माइनस R2।
आर वन मतलब जो बड़ा वाला त्रिज्या है वो आर वन है, तो 4.8 माइनस 3.5 करेंगे, दोनों को घटाए तो क्या आ जाएगा 1.3 सेमी। तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा विकल्प आपको दिया गया 1.3 सेमी, विकल्प बी। तो ये आपका विकल्प राइट विकल्प है, आपको आप आंसर में लिखोगे बी 1.3 सेमी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये सॉल्व आपको करके दिखाना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, जब आपको मिलेगा आपको सिर्फ विकल्प जो राइट विकल्प है जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है और वो विकल्प लिखना है। ये सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करके खुद को समझने के लिए कि कैसे कौन सा विकल्प मिलेगा हमें वो ज्ञात करने के लिए आपको ये बेहद जरूरी है सॉल्व करना। ठीक है बच्चों? ओके सर, थैंक यू। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो बेटा, हाथ उठाओ। फातिमा बानो माइक चालू करो। हेलो। हाँ बेटा बोलिए बच्चा। मैम जो पाइथागोरस का ट्रिक है, अगर हाँ वो पेपर में आएगा हाँ? तो उसको सिर्फ हाँ? आंसर लिख सकते हैं कि सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? नहीं बेटा जब आप पेपर में आएगा ना तो आपको सिर्फ विकल्प लिखना है कि ए वाला राइट है कि बी वाला है कि सी वाला है या डी वाला है। आपको सॉल्व करके दिखाने पे कोई मार्क्स नहीं रहेगा, बट आपको वो देखने के लिए कौन सा विकल्प राइट है आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, बट आप वो रफ वर्क में भी कर सकते हो, बट आपको लिखना सिर्फ विकल्प है। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके फातिमा, समझ में? इमदादुल्ला पूछो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, बोलिए। टीचर वर्क का भुजा निकालने के लिए भुजा बराबर विकर्ण बटे 2 हो सकता है ना? हाँ वैसा ही है बेटा, वही चीज है। ऐसा करने पे आंसर दूसरा आ रहा है जो आप बताया ना पहले। हाँ सुनो ना बेटा, सुनो बेटा अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है जो सूत्र है, भुजा करनी में 2 होता है, ये सूत्र है आपको पता है ना। जब वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी रहेगी तो हम क्या लिखते हैं सूत्र, भुजा करनी में 2। ठीक है, तो वो सॉल्व करेंगे और सूत्र में आप जो विकर्ण की लंबाई दी गई वो डालेंगे वहां पर। ठीक है बेटा? हेलो, और कौन? हाँ एक मिनट मैडम, आकाश गुप्ता पूछो बेटा। सर इसका पीपीटी टेलीग्राम पे भेजो ना मैडम। हाँ आप बेटा, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ सर भेज देती हूँ। हाँ सर, और किसी को कोई डाउट? पूजा पांडा। टीचर क्वेश्चन नंबर 21 दिखाओ ना वापस। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ ये देखो इसका कैसे आया बेटा, कैसे आया देखिए ना, जिसमें ना इसमें आपको सबसे बड़ी जीवा की लंबाई दी गई वृत्त के, तो आपको मैंने बोला कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे व्यास की लंबाई दी गई 7.8 सेमी। ठीक है, आपको त्रिज्या पूछ रही है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, तो मैंने 7.8 को 2 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा? आप भाग दो, देखो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा। अस्मिता कनौजिया माइक चालू करो। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। टीचर क्वेश्चन नंबर 80 दिखाइए ना। क्वेश्चन नंबर 80। हाँ 8 की 18 बोल रहे हो ना, 18 ना? हाँ। ये रहा देखो। हाँ देखिए बच्चा क्या डाउट है इसमें टीचर, ये cos थीटा 1 ये कैसे आया? बेटा ये सूत्र है, cosec थीटा किस की बराबर 1 sin थीटा होता है, ये सूत्र है। हाँ 1/ sin थीटा होता है। ठीक है, तो वो सूत्र मैंने डाला, फिर बाद में आगे cosec थीटा की जगह 1 sin थीटा लिखा, sin थीटा कट हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके मैडम। हाँ ओके सर, सर मैं लेफ्ट हो जाऊं?